13 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल के बाहर धरना दे रहे लैब टेक्नीशियन ने मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। गुलाबगंज, विदिशा, गंज बासुदा से जिले के सभी लैब टेक्नीशियन बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। विदिशा जिला अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब टेक्नीशियन के रूप में पदस्थ कर्मचारी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल के दूसरे दिन धरनास्थल के सामने ही मानव श्रृंखला बनाकर सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग शासन से की है। लैब टेक्नीशियन की हड़ताल की वजह से अस्पतालों में मरीजों के रोगों का परीक्षण और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और आज जो मानव श्रृंखला बनाई गई थी, क्या है उद्देश्य, क्या मांग है? मेरा नाम सुरेश कुमार चाक्य है। समस्त मेडिकल लैब टेक एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज मध्य प्रदेश का विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी जो है 13 सूत्री मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। हमने आज मानव श्रृंखला बनाई हुई है और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी एक साथ में हैं और मनुष्य के भले के लिए हम लोग सब कार्य करते हैं। और शासन प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि हमारी सुनवाई को शीघ्र करें।